में लाया जाता है शिक्षा विभाग से रिलेटेड, और जो लोग नारेबाजी कर रहे हैं, जो लोग सदन को बाधित कर रहे हैं, जो बैठ करके अमर्यादित व्यवहार कर रहे हैं आसन के प्रति, जो उनका सम्मान होता है वो सभी लोग देख रहा है कि लोग सीधे आसन के प्रति उंगली दिखा दिखा करके उनको धमका रहा है। और जिस तरह का सारे भारतीय जनता पार्टी का जो व्यवहार है सदन में देखने लायक है, दोनों सदन का, हम उधर की भी बात करते हैं और इधर की बात करते हैं। आप देखिए, अभी सर्वेश कुमार सिंह सदस्य विधानसभा भारतीय जनता पार्टी से हैं और इनका शिक्षा विभाग से रिलेटेड आया था गैर सरकारी संकल्प, लेकिन इन्होंने इसको खत्म करा दिया, मतलब इस पर चर्चा ही नहीं होने दिया। अब आइए, फिर इसके बाद डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी का है शिक्षा विभाग पर, इस पर भी कोई चर्चा नहीं आने दिया गया। इसी तरह से जितने भी हैं शिक्षा विभाग से, अगर इनको तनिक भी, अगर शिक्षकों के प्रति, राज्य के शिक्षा के प्रति अगर तनिक भी जीवार होते तो इस पर आज सदन में चर्चा होता और कोई ना कोई सार्थक इसमें कदम उठाया जाता। लेकिन जानबूझ करके इसी से साफ प्रतीत होता है कि उनको शिक्षकों के प्रति, शिक्षा के प्रति दूर दूर तक नहीं है, वो गलत तरीके से अपने बात को लोगों के बीच में पेश कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गैर संवैधानिक होगा। और जिस तरह से उनका सदन में जिस तरह से मर्यादित व्यवहार हो रहा है वो कतई स्वीकार नहीं। जवाब तो आपने दे रहे हैं। कोई नहीं कहा है, कहा, कब कहा है, किस पहले उन्होंने बयान दिए, नहीं कहाँ पर, किसके माइक पर बयान दे दिए, आप लोग भी तो रवैया कि शिक्षा का जो भी धरना दे रहे, देखिए आप फिर तोड़ मरोड़ करे, तू सबसे ज्यादा तोड़ मरोड़ करे वाला तू ही बार, तू ही सब जगह आग लगा वाला, जान जा तोरे बयान पर सब जगह आग लगता है। तो देखिए, उनके बोलने का मतलब दूसरा था, अगर कोई भी शिक्षक अगर किसी तरह का विधि व्यवस्था का समस्या उत्पन्न करेंगे तो उन पर जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होता है वो किया जाएगा। ये नहीं कहा गया कि शिक्षकों का गलत तरीके से उसका हम लोग को गुंडा बोला जा रहा है, ऐसा कहीं दूर दूर तक नहीं है। अरे लाठी बरसान कहाँ पर, आप लाठी बरसते हुए देख लिए कहाँ पर लाठी बरसाई जा रही है? और कोई भी कानून व्यवस्था तोड़ेगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी प्रभावशाली है, तो यहाँ कानून का राज है, उनके ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।